हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, हमने इसके पहले पढ़ा था चित्रकला के विभिन्न माध्यम, जिसमें हमने ब्लोन ब्लाटस और बाटिक चित्रकला तक हमने पढ़ लिया था। तो मित्रों, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, हम समय को ध्यान रखते हुए आगे की ओर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, हम बाटिक के आगे आज बढ़ेंगे, जो कला के और भी विभिन्न माध्यम हैं उनके बारे में हम आज उल्लेख करेंगे, और जो कुछ बच जाएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में उल्लेख करेंगे। तो मित्रों, हम आज सबसे पहले देखते हैं बंधेज कला क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बंधेज। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं बंधेज। बंधेज कला, तो मित्रों हम बंधेज कला को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बंधेज कला है क्या। यह एक कपड़ा रंगने की पद्धति है, इसे डाई एंड टाई कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं मित्रों, बंधेज कला यह एक कपड़ा रंगने की कला है। हम इसे टाई एंड डाई कहते हैं। तो मित्रों, देखते हैं पुनः एक बार बंधेज कला। यह एक प्रकार कपड़ा रंगने की कला है। इसको या हम लोग कह सकते हैं यह एक कपड़ा रंगने की पद्धति है। यह इसे हम टाई एंड डाई कहते हैं। अब मित्रों, हम देखते हैं बंधक। बंधक क्या होता है? तो हम अगर मित्रों बंधक के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बंधक देख रहे हो मित्रों, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो क्या करें, हमारे मकान मालिक ही कुत्ता पाल रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो भूखे गए, वो ऐसा पशु है। तो मित्रों, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बंधक पर ध्यान देते हैं। बंधक वह पदार्थ है मित्रों, तो लिख सकते हैं बंधक वह पदार्थ है जो रंग को बांधता है, जैसे गोंद और शहद आदि पदार्थ भी होते हैं जो मित्रों रंगों पर मिलाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम देखते हैं मित्रों एंटी क्रीम। जो एंटी क्रीम पद्धति है, एंटी क्रीम, तो मित्रों इसमें क्या होता है, एंटी क्रीम में रंगों को खुरच कर रेखांकन कार्य किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं रंगों को खुरच कर रंग भरे जाते हैं मित्रों, और इसके बाद हम इसको एंटी क्रीम कहते हैं, और भरे जाते हैं इसे एंटी क्रीम कहते हैं। मित्रों, एक बार पुनः देखते हैं बंधेज कला। यह एक प्रकार कपड़ा रंगने की पद्धति है, इसे हम टाई एंड डाई कहते हैं। मित्रों, इसे हम टाई एंड डाई कहते हैं। मित्रों, हम एक बार पुनः देखते हैं बंधेज कला। यह एक प्रकार कपड़ा रंगने की पद्धति है मित्रों, इसे हम
टाई एंड डाई कहते हैं। बंधक, बंधक वह पदार्थ है जो रंग को बांधता है, जैसे गोंद, शहद आदि पदार्थ होते हैं मित्रों रंगों को बांधने के लिए। एंटी क्रीम क्या होता है मित्रों, रंगों को खोजकर रंग भरे जाते हैं, इसे हम एंटी क्रीम कहते हैं मित्रों। अब हम देखते हैं पेपर मेसी कला, तो मित्रों इसको नोट कर लेना। अब हम देखते हैं पेपर मेसी कला, नेक्स्ट है मित्रों पेपर मेसी, पेपर मेसी कला। इसमें चाक, मेथी और कागज की लुगदी को मिक्स करके सांचे में डालकर निकाला जाता है। इसे हम पेपर मेसी कला कहते हैं, इसे हम पेपर मेसी कला कहते हैं मित्रों। एक बार पुनः देखते हैं मित्रों पेपर मेसी कला को। इसमें चाक, मेथी और कागज की लुगदी को मिक्स करके सांचे में डाल करके निकाला जाता है, इसे हम मित्रों पेपर मेसी कला कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मित्रों शास्त्रीय कला, नेक्स्ट है जो मित्रों शास्त्रीय कला। इसमें क्या होता है मित्रों शास्त्रीय कला में, इसमें होता है कि अजंता या किसी परंपरा को किसी परंपरा को चित्रण कार्य करना शास्त्रीय कला कहलाती है, शास्त्रीय कला कहलाती है। अब इसके बाद मित्रों हम देखते हैं शास्त्रीय कला भी हो गई, अब हम देखते हैं मित्रों पट चित्र क्या होते हैं, नेक्स्ट है जो मित्रों पट चित्र कला क्या होती है मित्रों। इसमें मित्रों होता कपड़े पर की जाने वाली कला को कपड़े पर की जाने वाली कला को हम पट चित्र कला कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं मित्रों पेपर मेसी कला। इसमें चाक, मेथी और कागज की लुगदी को मिक्स करके सांचे में डालकर निकाला जाता है, इसे हम पेपर मेसी कला कहते हैं मित्रों। इसमें क्या होता है चाक, मेथी और कागज की लुगदी को मिक्स करके सांचे में डाल करके निकाला जाता है, इसे हम पेपर मेसी कला कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट शास्त्रीय कला किसे कहते हैं, अजंता या किसी परंपरा को चित्रण कार्य करना शास्त्रीय कला कहलाता है मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटचित्र, कपड़े पर की जाने वाली कला को हम लोग पटचित्र कहते हैं मित्रों। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अगला थापा कला। अब हम पढ़ेंगे मित्रों थापा कला। थापा कला क्या होती है मित्रों, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है थापा
थापा कला मित्रों क्या होती है, सबसे पहले इसको तो ये जानना है। तो जो हाथ की छाप होती है हम लिख सकते हैं इसमें जो हाथ से छाप किए जाते हैं, इसमें हाथ की छाप चित्रण विधि को हम थापा कला के नाम से जानते हैं। मित्रों ये जो थापा कला होती है ये शुभ कामों में, जैसे शादी विवाह में हाथ के थाप दीवार पर दिए जाते हैं वही हम थापा कला, उसी को हम थापा कला कहते हैं। यह मित्रों अगर ये मित्रों राजस्थान में प्रचलित थी, यह राजस्थान में प्रचलित थी मित्रों, प्रचलित थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मित्रों, थापा हो गए, अब हम देखते हैं थांका कला। एक होती थापा कला, एक होती थांका कला। तो थांका कला में क्या होता है मित्रों, नेक्स्ट देख लेते हैं। थांका मित्रों, अब इसको हम थांका कला किसे कहते हैं, किसी धर्म व तंत्र से संबंधित चित्रों को, चित्र जो होते हैं हम लिख सकते हैं धर्म या तंत्र से संबंधित जो झंडे या कपड़े पर पटचित्र बनाए जाते हैं बनाए जाते हैं उसे हम थांका कला कहते हैं, तो एक बार थांका कला के बारे में और देख लीजिए मित्रों, जो थांका कला है, अरे थापा कला के बारे में देखते हैं। इसमें जो हाथ की छाप चित्रण विधि को थापा कला कहते हैं, यह राजस्थान में प्रचलित थी मित्रों, और इसका प्रयोग शादी विवाह में दीवारों में हाथ की छापे दिए जाते हैं उसको भी हम थापा कला के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट थांका कला में क्या होता है मित्रों, धर्म या तंत्र से संबंधित जो चित्र झंडे या कपड़े पर पट चित्र बनाए जाते हैं उसे हम थांका कला कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों बसली क्या होती, बसली कला। तो लिख सकते हैं बसली कला के बारे में मित्रों देखते हैं। इसमें कागज की कई परत को लिख सकते हैं, इसमें कागज की कई परत को जोड़कर चित्रकार करते हैं उसे बसली कला कहते हैं, बसली कला कहते हैं। यह मित्रों मुगल काल में प्रचलित थी, यह मुगल काल में प्रचलित थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों बसली कला थी। इसमें कागज की कई परत को जोड़ करके कार्य जो करते हैं या उसमें चित्रण कार्य करते हैं उसको हम बसली कला कहते हैं। और मित्रों इसके बाद हम देखते हैं मोरका कला या मोरका पेंटिंग या मोरका कला क्या है, तो हम इसके बाद देखते हैं मोरका कला।
मोर का कला इसमें मित्रों क्या होता है, मोरका में चित्रों की संग्रह को लिख सकते हैं, इसमें चित्रों के संग्रह को मोरका कहते हैं, मोरका मोरका या एल्बम कहते हैं। मोरका कला किसे कहते हैं मित्रों, इसमें चित्रों के संग्रह को मोरका या एल्बम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है मित्रों फिरका, नेक्स्ट जो है फिरका, ये मोरका जो चित्रकला है मित्रों यह भी मुगल काल में प्रचलित थी, यह भी मुगल काल में प्रचलित थी मित्रों। और जो फिरका है इसमें क्या होता है, इसमें छह चित्रों के छोटे छोटे इसमें छह चित्रों के छोटे छोटे सेट को फिरका कहते हैं, फिरका कहते मित्रों। यह भी मुगल काल की एक कला है, मुगल काल की कला है। इसके बाद नेक्स्ट है मित्रों इकेबाना, इकेबाना, इकेबाना कला क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। इकेबाना क्या होता है मित्रों, फूलों को सजाने की कला को इकेबाना कहते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें फूलों से सजाने की कला को इकेबाना कहते हैं, इकेबाना कहते हैं। यह मित्रों जापान में प्रचलित थे, जापान में प्रचलित थे। एक बार पुनः देखते हैं, मोरका पेंटिंग या मोरका कला किसे कहते हैं, इसमें इसमें चित्रों के संग्रह को मोरका या एल्बम कहते हैं, यह मुगल काल में प्रचलित थी मित्रों। फिरका, इसमें छह चित्रों के छोटे छोटे सेट को हम फिरका कहते हैं, यह भी मुगल काल की एक प्रकार की कला है। और इकेबाना, इसमें फूलों को सजाने की कला को हम इकेबाना कहते हैं, यह मित्रों जापान में प्रचलित थी। हम इसके बाद बात करते हैं खसड़ा, जो खसड़ा कला है। आप मित्रों सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी प्रकार की कलाएं होती हैं, तो जी मित्रों कला तो बहुत प्रकार की है, क्या करें हम भी। खसड़ा, खसड़ा कला, स्केच या हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें स्केच या रेखा चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं मित्रों, खसड़ा, खसड़ा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मित्रों हैं हाइगा, हाइगा कला, जो हाइगा कला है मित्रों, हाइगा को हम लिख सकते हैं जापानी रंग चित्र कला को हाइगा कहते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं क्या, हाइगा कला में इसको
जापानी रंग में जो चित्रकला इसमें जापानी रंग में जो इसमें जापानी रंग में जो चित्रकला बनाई जाती है चित्र कला बनाई जाती है उसे हाइगा कहते हैं। हाइगा कला कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मित्रों हैं लेपकम। नेक्स्ट है मित्रों लेपकम। लेपकम कला इसमें क्या होता है मित्रों लेपकम पे लकड़ी व पत्थर को जो चित्र चित्र कार्य होता है उसे लेपकम हम कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें लकड़ी या पत्थर पर जो चित्रकारी होती है चित्रकारी होती है उसे लेपकम कहते हैं। लेपकम एक बार पुनः देखते हैं। खसड़ा कला इसमें स्केच या रेखा चित्र बनाए जाते हैं। रेखा चित्र जो बनाए जाते हैं बनाने की कला को खसड़ा कला कहते हैं। हाइगा इसको जापानी रंग में जो चित्रकला बनाई जाती है उसको हम हाइगा कला के नाम से जानते हैं। लेपकम में क्या होता है लेपकम कला क्या होती है इसमें लकड़ी या पत्थर पर जो चित्रकारी होती है उसे हम लेपकम कहते हैं। अब मित्रों हम देखते हैं कैलीग्राफी। अब इस नोट कर लेना मित्रों कैलीग्राफी क्या होता है। कैलीग्राफी कला। अब इसमें मित्रों क्या होता है कैलीग्राफी में सुंदर अक्षर लेखन की कला को लिख सकते हैं। इसमें सुंदर अक्षर लेखन कला को कैली कैलीग्राफी कला कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है मित्रों कैलीग्राफी भी हो गया। इसके बाद है मित्रों टेम्परा माध्यम। टेम्परा इसमें क्या होता है मित्रों टेम्परा माध्यम में टेम्परा कला में क्या होता है मित्रों इसमें पानी के साथ घुलनशील और सूखने के बाद अघुलनशील अघुलनशील रंगों को
हम टेम्परा माध्यम या टेम्परा कला कहते हैं। एक बार पुनः देखिएगा, कैलीग्राफी कला किसे कहते हैं? इसमें सुंदर अक्षर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं मित्रों। टेम्परा माध्यम, इसमें पानी के साथ घुलनशील रंग और सूख जाने के बाद अघुलनशील रंग, उसे हम टेम्परा माध्यम या टेम्परा कला के नाम से जानते हैं। मित्रों कहा गया है कि झुक जाइए किताबों के सामने, अभी झुक जाइए किताबों के सामने, हम सच कहते हैं ये किताबें दुनिया झुका देंगी तुम्हारे चरणों में। तो मित्रों आज का वीडियो हमारा इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मित्रों कहा गया है कि आराम करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।